अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल हुरो वीलॉग। हुरो वीलॉग में आपको एक्सेल वर्ड से रिलेटेड जो है स्किल्स सीखने को मिलती हैं। इसके अलावा जो है आपको टिक्स एंड ट्रिक्स से रिलेटेड वीडियोस मिलते हैं। इनके लिंक्स जो हैं आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आज की वीडियो का टॉपिक क्या है, आज मैं आपको बताऊंगी कि हम अपना जो है सर्च इंजन मतलब गूगल क्रोम जो है गूगल की प्लेस पे हम अपना नाम कैसे लिख सकते हैं, यानी जो भी आपने अपना नाम लिखना है या जो भी लिखना है वो गूगल की जगह पे हम कैसे लिखेंगे। और दूसरी बात, दूसरा हम ये सीखेंगे कि जो है आप चाहते हैं कि गूगल क्रोम हम खोल लें तो 3-4 पेजेस जो आप चाहते हैं कि वो ऑटोमेटिक जो है हमारे साथ ही गूगल का पेज ओपन होने के साथ ही डिफरेंट टैब्स में ओपन हो जाएं, तो वो आप कैसे करोगे। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि हमारा एक में चैनल खुल जाए, एक में इंस्टा खुल जाए, एक में जो है हमारा फेसबुक का पेज खुल जाए और ये ऑटोमेटिक हम एक गूगल खोल लें तो साथ ओपन हो जाए, तो वो उनको हम कैसे ऐड करेंगे, कैसे उनकी सेटिंग करेंगे, ये हम सीखेंगे। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। गूगल ओपन कर लेते हैं। पहले हम सीखेंगे कि जो गूगल का हम जो है नेम कैसे चेंज कर सकते हैं। जी, तो ये हमने गूगल खोल लिया है। गूगल के सर्च बार में हम लिखेंगे गोग लोगो, ये आप लिख के एंटर करेंगे तो आपके पास एक पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आप जो है अपना नेम और फॉन्ट वगैरह सेलेक्ट करेंगे, जिस फॉन्ट में आप जो है चाहते हैं नेम, तो वो आपका हो जाएगा। जी, तो ये हमारा नेक्स्ट पेज लोडिंग में है। जी, इससे सबसे पहले वाला हम गूगल लोगो वाला ओपन कर लेंगे। जी, ये हमारे पास पेज आ गया गूगल लोगो वाला। तो इधर स्टेप वन है एंटर योर नेम बिलो, यहाँ जो नाम आप गूगल की जगह पे चाहते हैं वो यहाँ आप एंटर कर दें। जैसे हम लिखते हैं हुरब वीलॉग, ये हमने लिखा हुरो वीलॉग। जी, और इस नेम के लिए यहाँ एंट्री के लिए उन्होंने कहा है प्लीज यूज इंग्लिश अल्फाबेट्स एंड स्पेस ओनली। स्पेस और इंग्लिश अल्फाबेट्स ही आप यूज कर सकते हो, नंबर्स या जो है सिंबल्स वगैरह आप इसमें यूज नहीं कर सकते। उसके बाद नीचे है सेलेक्ट स्टाइल बिलो, यानी किस स्टाइल में आप चाहते हैं। हम नीचे देखते हैं कौन कौन से स्टाइल दिए हुए हैं। ये देखें, डिफरेंट हमारे पास स्टाइल हैं। ऊपर है कि आपने अगर गूगल का स्टाइल लेना है तो ये इसको चेक कर, इसको टिक कर देंगे, अदरवाइज नीचे जो ज़्यादा स्टाइल हैं उनमें से आपने कोई लेना है तो आप ले लें। जी, तो अभी हम कोई इसमें से पिक कर लेते हैं, ये वाला कर लेते हैं। ये वाला हमने चेक कर लिया। जी, ये करने के बाद हम जस्ट हमारा जो है हमने फॉन्ट भी ऊपर नेम भी लिख लिया और फॉन्ट स्टाइल भी जो है हमने उसका सेलेक्ट कर लिया है, तो हम अब इसको करेंगे एंटर।
जी, तो ये देखें हमारे गूगल के पेज पे, गूगल की जगह पे हुरव वी लॉग और नीचे सर्च बार है। आप कुछ भी इधर लिख के जैसे गूगल में सर्च करते हैं तो आप सर्च कर सकते हो। ये ज़रा लंबा है, इसको चेंज करने के लिए सेम आप जो है दोबारा से वो आप कर सकते हो गूगल लोगो में जाके। तो हम इसको सिर्फ हुरव कर लेते हैं और जो है इसको गूगल के स्टाइल में मैं आपको करके दिखाती हूँ, जैसे गूगल का स्टाइल था उस स्टाइल में। जी, तो जैसे हमने पहले ये सबसे ऊपर वाला क्लिक किया था, इस पर क्लिक करेंगे। जी, तो यहाँ हम उसी तरह हम वीलॉग नहीं लिखते, जस्ट हम लिख देते हैं हुरब देंगे, कर देंगे। जी, तो आप देख सकते हैं हमारा जहाँ हमने हुरव वीलॉग लिखा था वो काफ़ी बड़ा था, इसलिए मैंने हुरव लिख दिया और ये गूगल के कलर्स में उसी के स्टाइल में आया है। तो अब अगर आप चाहते हो कि अब इस सर्च इंजन को जो है हर दफ़ा जब हम खोलें तो ये जो है हमारे पास ये हुरवी ऊपर जो हमारा नाम है यही आए, गूगल ना आए, तो इसके लिए इसका हम जो है यूआरएल कॉपी कर लेंगे इसका। जी, तो ये यूआरएल इसका कॉपी कर लिया हमने और यहाँ थ्री डॉट्स पे सेटिंग्स, जी सेटिंग्स, ये विंडो के हिसाब से डिफरेंट होगा। इधर आपका इधर होगा सेट पेजेस या कुछ इस तरह का, जैसे हमारी विंडो पे इधर नीचे है दिया हुआ मैनेज सर्च इंजन, ये ऑन स्टार्टअप, ठीक है। तो आपने जो है इसके ओपन अ स्पेसिफिक जो है वो हुआ हुआ है इस पे टिक, ओपन अ न्यू टैब ओनली, उन टैब पेज एक पेज खोलेगा। तो अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं ओपन अ स्पेसिफिक पेजेस और सेट ऑफ पेजेस, तो आपका सेट पेजेस का भी हो सकता है कहीं, तो वहां से आप इसको टिक कर देंगे। हम इसको सेट पेजेस पे टिक करेंगे तो नीचे आ गया ऐड न्यू। तो ऐड न्यू में हमने जो है हमारे पास हमने यूआरएल कॉपी किया था जो हमने हुरव वाला अपने नाम का जो है बनाया, तो उसको हम इधर पेस्ट कर देंगे और इसको ऐड कर देंगे। दूसरा आप अगर जो है हम इधर खोल लेते हैं, जी हम इधर खोल लेते हैं हुरव वीलॉग। जी, तो हुरव, तो इसका भी जो है हम लिंक कॉपी करके तो उधर पेस्ट कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारा ये भी पेज जो है सर्च इंजन हुरव वाले के साथ ये भी ओपन हो जाएगा। लिंक भी कॉपी करने के बाद सेटिंग में जाके ऐड न्यू पेज में इधर इसका पेस्ट करके, तो जितने आप ऐड करना चाहते हैं आप ऐड कर सकते हैं। मैंने अभी हुरव वीलॉग और चैनल यूट्यूब का और सर्च इंजन जो है गूगल जो मैंने बनाया है हुरव वाला, वो दो इसमें ऐड किए हैं। तो चलिए हम अब दोबारा खोल के देखते हैं इसको कि जो है हमारे पेजेस जो हैं ओपन होते हैं या नहीं। जी, तो इसको बंद कर देते हैं, दोबारा से गूगल क्रोम को ओपन करते हैं।
जी, तो आप देख सकते हैं हमने गूगल क्रोम को ओपन किया है, तो देखेंगे हुरब वाला सर्च इंजन और साथ में यूट्यूब चैनल ये रनिंग में है, ओपन हो रहे हैं, तो दोनों एट अ टाइम ओपन हो जाएंगे। इस तरह आप जितने भी आप ऐड करना चाहते हैं, फेसबुक का पेज ओपन करके उसका लिंक कॉपी करके वहाँ ऐड कर दें, तो जो जो आप ऐड कर दोगे जिस पेज का लिंक, तो वो पेज आपका गूगल क्रोम को खोलने पर फ़ौरन साथ ही ओपन हो जाएगा। जी, तो जैसा कि आपने देख लिया है कि दोनों हमारे पेजेस जो हैं वो ऑटोमेटिक जो हैं, हुरव वीलॉग चैनल वाला और दूसरा जो है हमारा पेज हुरव वाला, वो जो है ऑटोमेटिक आ गया है। ठीक है, तो इसी तरह अगर आपने अगर इसी का दोबारा गूगल लिखना है, तो इसी तरह आप जो है इसके सर्च बार में जाके, तो आप इधर गूगल लोगो लिख के, अगेन जहाँ आपने नाम हुरव लिखा था वहाँ आप गूगल लिख के तो उसको ऐड कर लेंगे, उसका यूआरएल ऐड कर लेंगे, उसके अंदर कॉपी कर देंगे पेज सेटिंग के अंदर, तो आपका जो है गूगल ओपन होगा। मतलब आप इसको चेंज दोबारा कैसे कर सकते हैं, दोबारा मैं एक दफ़ा आपको करके दिखा देती हूँ। यहाँ हम गूगल लोगो करते हैं, जी तो ये पहले वाले को करके सारा प्रोसीजर आपको पता है, लेकिन मैं आपकी आसानी के लिए एक दफ़ा आपको दोबारा करके दिखा रही हूँ। जी, तो यहाँ जहाँ हमने हुरूप का नेम लिखा था, इधर हम अगेन जो है गूगल लिख देंगे। और अगर इसी आप चाहते हो कि हुरव वाला नहीं हो, क्योंकि हमने पेज की सेटिंग में जाके जो है उसको हुरव वाला लिंक जो है हमने ऐड किया हुआ है, तो हम ये गूगल वाला लिंक जाके जो है उसमें कॉपी कर देंगे, पेस्ट कर देंगे, तो ये वाला ऐड कर देंगे, तो ये हमारा गूगल ओपन हुआ करेगा। जी, तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गई होगी, कैसे आप इसको चेंज कर सकते हैं और कैसे जो है आप इसमें पेजेस को ऐड कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल हुरो वीलॉग को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो है ये ट्रिक सबके साथ शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो जो है आपको जल्दी आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।